फिर बाहर करा देते हैं। बिजनौर में पुलकित मेमोरियल हॉस्पिटल में जुना पीठाधीश्वर आचार्य मंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने पहुंचकर एक भव्य मंदिर का उद्घाटन किया एवं इससे पूर्व महाराज ने महात्मा विदुर की नगरी विदुर कुटी में पहुंचकर वहां का भ्रमण किया। बाद में महाराज बिजनौर गंगा बैराज घाट पर पहुंचे और नवनिर्मित पुलिस चौकी भागीरथी गंगा का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रही। आपको बता दें कि बिजनौर के बैराज मार्ग स्थित पुलकित हॉस्पिटल में डॉक्टर हरीश मित्तल ने अपने मृतक पुत्र पुलकित की याद में एक भव्य मृत्युंजय महादेव मंदिर का निर्माण कराया। 4 वर्ष पूर्व स्वामी अवधेशानंद गिरी ने इस मंदिर की नवी रखी थी, जो 4 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। भव्य मंदिर में पंचदेव की मूर्तियां रखी गई। मंदिर के निर्माण के लिए गुजरात से कारीगर नक्काशी करने पहुंचे थे और मंदिर का निर्माण बंसी पहाड़पुर पत्थर से सोमपुरी टेक्निक से कराया गया था। अयोध्या में बन रहे मंदिर में जो पत्थर नक्काशी कराने के लिए लाया गया था वही पत्थर इस मंदिर में लगाया गया है। इसी का लोकार्पण करने आज जुना पीठाधीश्वर आचार्य मंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी पहुंचकर लोकार्पण किया और सभी श्रद्धालु को अपने हाथ से प्रसाद ग्रहण कराया। बाद में स्वामी अवधेशानंद गिरी गंगा बैराज घाट पर पहुंचे और वहां पर नवनिर्मित पुलिस चौकी भागीरथी गंगा का लोकार्पण किया। इस मौके पर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने बताया कि बिजनौर एक ऐतिहासिक एवं पौराणिक जगह है। यहाँ पर महात्मा विदुर ने तरह तरह के पकवान त्याग कर साग खाया था। भारत की ऐतिहासिक पौराणिक आध्यात्मिक नगरी बिजनौर, जो विदुर के चरित्र और शील संयम से ख्यात है, एक बार भारत का एक शीर्षस्थ पुरुष जिसने नीतियों का निर्धारण किया, ऐसे विदुर महाभारत काल के एक विशेष अमात्य अथवा प्रधानमंत्री ऐसा कह सकते हैं कि वे यहाँ पहुँचे और अहंकारी दुर्योधन की मेवा पकवान विविध व्यंजन मिष्ठान और नाना प्रकार के उपहार रत्नों के ढेर राशि जिसमें अनेक फेथाल जिसमें मूंगे माणिक्य वैदूर्य पन्ना पुखराज भरे थे उन सबको त्याग कर उस अहंकार को चुनौती देकर कृष्ण विदुर का साग खाने यहाँ पहुँच गए। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर को चरित्र शील संयम और आचरण की पारदर्शिता प्रभावित करती है। एक ये भी बात है कि इतर संस्कारों में जन्म लेने वाला प्राणी भी शीर्षस्थ पुरुष हो सकता है। उन्हें उदासी पुत्र कहा गया और वो देश की नीतियों का निर्धारण कर रहे हैं। ये भारत का औदार्य है, ये भारत का वैशिष्ट्य है कि किसी भी मत पंथ संप्रदाय और जाति में पैदा होने वाला व्यक्ति अगर योग्य है और प्रतिभा उसके पास है तो वो शीर्षस्थ हो सकता है, शिखरस्थ हो सकता है। विदुर साग के लिए परिचित है, वहीं ये गंगा बैराज और साइबेरियन विविध देशों से आने वाले पंछियों को आकर्षित करता है। मैं यहाँ के सभ्य शिष्टशालीन संस्कारवान डॉक्टर हरीश मित्तल और उनके पुत्र संचित मित्तल द्वारा संचालित पुलकित मेमोरियल ट्रस्ट के परिसर में मृत्युंजय मंदिर के उद्घाटन काल में यहाँ पहुँचाऊँ। एक अद्भुत मंदिर यहाँ आज स्थापित हुआ है। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने बताया कि महात्मा विदुर की पावन धरती पर लोगों ने अध्ययन के साथ साथ स्वाध्यन भी किया। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने महात्मा विदुर की नीतियों को पूरे विश्व में फैलाने की बात कही और इस मौके पर डॉक्टर हरीश मित्तल के सुपुत्र संचित मित्तल ने बताया कि हमारे एक बड़े भाई की सड़क दुर्घटना के समय सही उपचार न मिलने के कारण मृत्यु हो गई, उसी की आस्था के लिए हमने यह पुलकित हॉस्पिटल खोला है जिसमें सप्ताह में 2 दिन में फ्री दवाइयाँ और फ्री में मरीजों को देखा जाएगा। डॉक्टर हरीश मित्तल हड्डी के जाने माने डॉक्टर है। हम 2004 से हमारे स्वामी अवधेशानंद जी गुरु जी उनसे जुड़े हैं। 2009 में मेरे बड़े भाई की अकाल एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। उसकी अनुभूति में उसकी याद में एक पुलकित मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट पिताजी ने खोला और
उसके लिए मंगलवार और शनिवार के दिन फ्री में पेशेंट्स को देखना और फ्री में चार चार दिन की दवाई देना, ये कार्यक्रम उसी साल से चालू कर दिया था कि उसकी याद, उसकी एहसास हमारे साथ जुड़ा रहे और उसके नाम से जुड़ के हम लोगों की बीमारी का निस्तारण करें, उनको आराम मिल पाए। फिर उसी को आगे लेते हुए हमने, जब उसको एक्सीडेंट हुआ था तो उसे इमरजेंसी केयर नहीं मिल पाई, वो काफ़ी देर तक परेशान रहा था रोड पे, उसको मेडिकल एड नहीं मिल पाई थी, ऐसा कोई सेटअप नहीं था। तो वही सोचते हुए हमने ये सोचा था, प्रण लिया था कि हम यहाँ पे एक ऐसा सेटअप कराएंगे ताकि ऐसे एक्सीडेंटेड पेशेंट्स को तुरंत मेडिकल एड मिले और अच्छे डॉक्टरों द्वारा मिले। और उसी उपलक्ष्य में 2015 में फिर इसका हॉस्पिटल का उद्घाटन पूज्य गुरुजी स्वामी अवधेशानंद गिरी जी द्वारा किया गया। और मेरे माताजी पिताजी दोनों ही बहुत ही आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं आंतरिक रूप से, और उसी प्रेरणा को लेते हुए फिर गुरुजी की प्रेरणा से ये मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। ये 2016 में इसका नींव रखी गई थी और धीरे 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 इसका कार्य शुरू हुआ। अब इस मंदिर के निर्माण में बहुत बड़ी चुनौती थी, इसके आर्किटेक्ट्स गुजरात के थे, इसकी जो स्टोन है वो सारा राजस्थान का है, बंसी पहाड़पुर स्टोन से बना है, इसके वर्कर्स जो क्राफ्ट्समैन थे जिन्होंने इसको गढ़ा और बनाया है, ये हाथ से ये सारी नक्काशी करी गई है इसमें, जो प्राचीन मंदिरों में नक्काशी होती है उसी तरीके से सोमपुरा टेक्निक से ये बना है, जिसके अंदर कोई भी आयरन रॉड्स वगैरह नहीं होती हैं और ये पत्थर को पत्थर पे रख के प्राचीन कला से बना है। तो इसके क्राफ्ट्समैन भी स्पेशल हैं, वो सब गुजरात से और राजस्थान से आए थे।